देखिए गाइस, हमने आपको बताया था कि दिए गए समय पर आप एंगल कैसे जल्दी निकाल सकते थे, ध्यान है ना आपको। तो हमने आपको एक एचडब्ल्यू भी दिया था कल, और कुछ बच्चों को दिक्कत भी हो रही थी, उसी का हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं फिर से। हमने इससे पहले आपको क्वेश्चन कराया था, ध्यान हो आपको, कि 3:24 पर एंगल क्या होगा। इससे पहले हमने ये क्वेश्चन कराया था, है ना, और एक्सप्लेनेशन में क्या दिया था, हमने कहा था ये 24 जल्दी निकालने के लिए क्या करेंगे आप, 5 से भागना लगाना, क्या करें इसका डबल करें, 24 × 48 और एक के बाद पॉइंट लगा दें, और 3 में से 4.1 जाएगा कितना बचेगा, माइनस के 1.8 बचेगा, मल्टीप्लाई 30 का करोगे तो फाइनली कितना डिग्री आ जाएगा, 54 डिग्री, माइनस के 54 डिग्री। और कहा था कि इसका आधा, किसका आधा, मिनटों का आधा इसमें जोड़ दे, कितना हो गया इसमें मिनटों का आधा, 12 हो गया कि नहीं, वही आंसर हो गया 42 डिग्री, हो गया गाइस, बिल्कुल। अब चलते, और फिर हमने एचडब्ल्यू दिया था, उसी की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्वेश्चन ये था कि 3:23 पर एंगल क्या होगा, तो कुछ बच्चों को इसमें दिक्कत आ रही थी इसलिए बनाना पड़ा वीडियो, ठीक है। देखिए, तो फिर से दोबारा से आप क्या करें, 5 से भाग लगाकर टाइम बराबर ना करें, क्या करें इसका डबल करें, इसका डबल करेंगे 23 × 46 और एक के बाद पॉइंट लगा दें, अब माइनस करें तो 3 में से 4.6 जाएगा, तो कितना आएगा, माइनस के 1.6 आएगा, माइनस के 1.6 आएगा, इसमें 30 का गुणा करें, और जैसे आप 30 का गुणा करते हैं तो बताइए कितना आएगा, माइनस के 48 डिग्री आएगा। फिर मिनटों का आधा, किसके मिनटों, ये मिनट है, इन मिनटों का आधा इसमें जोड़ दें, इन मिनटों का आधा इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 11.5। और आप जानते हैं मैं कहता ही जोड़ने की जगह पर घट जाएंगे, तो घटा दें, देखिए कितना आएगा, 36.5 डिग्री आ जाएगा। गाइस, माइनस में आएगा उससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि आप जानते हैं एंगल पॉजिटिव होते हैं ना कि नेगेटिव, तो आंसर ये होगा, अगर नेगेटिव आ रहा है तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं, आंसर ये मान्य होगा। मिलते हैं कल।